हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर राज और मिस्टर टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक ही तरह के थीम से बार बार यूज़ करके हो चुके हो बोर, तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होम स्क्रीन्स के बारे में कि कैसे जो है आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पर ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो और अपने होम स्क्रीन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताई है बैटमैन राइजिंग थीम्स के बारे में, जिसमें आपको करना होगा 3 एप्लीकेशंस को इंस्टॉल अपने फोन पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है वो है ZS एप्लीकेशन। ये ZS एप्लीकेशन जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। रिंगटोन्स एंड वॉलपेपर्स के लिए स्पेशली इस एप्लीकेशन को बनाया गया है एंड आप इसे इंस्टॉल करोगे अपने फोन पे। एंड इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद एंड फिर से जो है आप जाओगे प्ले स्टोर पे एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद सर्च करोगे मेलो डार्क आइकन पैक। मेलो डार्क आइकन पैक जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा फर्स्ट पे, और इसे आप इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन पे। इसमें आपको बेसिकली कई सारे आइकन्स मिल जाते हैं आपको मेलो डार्क कलर के, तो जिसे कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। एंड अब इसके बाद जो है आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जिसका नाम है नोवा लॉन्चर। तो दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दो तीन चीज़ों के साथ भी जो है कॉम्बिनेशन करके एक नया थीम जो है क्रिएट करके अपने होम स्क्रीन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और देख सकते हो कि हमारा नोवा लॉन्चर भी जो हो गया इंस्टॉल, एंड इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए हम करेंगे नेक्स्ट। एंड उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं कि आप कौन सारी चीज़ें जो है आप इंस्टॉल थीम्स में देखना चाहते हो, लाइट या फिर डार्क, या फिर आप ऐप ड्रॉवर जो है किस स्टाइल में चाहते हो, इमर्सिव या कार्ड, तो ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे और नेक्स्ट कर लोगे। एंड जो ऐप ड्रॉवर का एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, स्वाइप या फिर बटन टाइप होना चाहिए, तो इसे भी हमने कर लिया अप्लाई। और अब जो है हमारा नोवा लॉन्चर जो है अब पूरी तरह से सेटअप कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब जो है जब हम जैसे होम अपने बटन को क्लिक करते हैं तो नोवा लॉन्चर के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा नोवा लॉन्चर तो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी काम जो है यहाँ पर बाकी हैं, तो वो सारी काम को भी जो है यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने नोवा लॉन्चर के सेटिंग्स पे। तो नोवा लॉन्चर जो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे स्वाइप करके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख जाएगा नोवा सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको दिख जाते हैं कई सारे ऑप्शन और बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में थंबनेल में जैसे बताया है कि बैटमैन राइजिंग के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर बताना है कि किस तरह जो है बैटमैन राइजिंग का एक थीम जो आप क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा जो है उसे आपको एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग होम स्क्रीन जो है देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ मेलो डार्क एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे आप और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अप्लाई मेलो डार्क, इसे भी आप सिलेक्ट करोगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर नोवा लॉन्चर, इसे आप अप्लाई कर लोगे इस थीम के साथ। तो देखोगे कि आपका सारा एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो गया है एक मेलो डार्क आइकन पैक में। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। एंड दूसरे स्टेप्स के लिए हमें जाना होगा दूसरे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम था ZS, जो कि हमने इंस्टॉल करा था अभी कुछ टाइम पहले। तो इसे जो है हमने यहाँ पर आपको जाना है विजेट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको बेसिकली रिंगटोन्स वॉलपेपर्स वगैरह मिल जाते हैं और विजेट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जाना है विजेट्स पे, और विजेट्स पे जाते ही आपको यहाँ पर सबसे लास्ट की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे विजेट्स आपको स्टाइलिश दिख जाते हैं, आप चाहो तो कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा था वो जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉमिक लाइट्स, यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर का, और इसे जो है आप अप्लाई कर लोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जाता है कुछ, आपको यहाँ पर जो काम करना है वो क्या करना है कि होम स्क्रीन पर जाना है एंड यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक होल्ड करना है और विजेट्स पे जाना है। एंड सबसे नीचे जब जाएंगे ZS के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर दिखेगा क्लॉक, और इस क्लॉक को जाएंगे और यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे स्क्रॉल करके, तो ये हो जाएगा क्रिएट, और जो ये हमारा थीम्स था क्लॉक का, वो जाके यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फिट हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा दूसरा स्टेप होता है कंप्लीट। एंड थर्ड स्टेप जो है लास्ट स्टेप, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है वॉलपेपर्स। वॉलपेपर की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वॉलपेपर जो है यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये रहा बैटमैन का वॉलपेपर। अब इसे हम सेट कर लेंगे अपने होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों पे, तो कुछ ये इस तरह से जो है यहाँ पर आपको दिख जाता है बैटमैन राइजिंग का एक थीम्स,
जो कि काफ़ी मुझे बेहद पसंद आया, और सोचा क्यों ना जो आपके साथ शेयर किया जाए, और कुछ इस तरह से जो आप अपने होम स्क्रीन को काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड बाकी सारी और भी कस्टमाइजेशन इसमें बाकी हैं, आप चाहो तो वो सारी चीज़ें भी जो अप्लाई कर सकते हो। आप आइकन्स को छोटा बड़ा या फिर आप कार्ड्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हो अपने आइकन्स को, तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भी फ्यूचर में ऐसी यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा के जरूर रखना, ताकि आप ले पाओ हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले। तो फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहना और मुस्कुराते रहना और बने रहना मिस्टर टेक्नोहॉलिक चैनल के साथ, और कहते रहना भारत माता की जय।